डॉक्टर अविनाश उपाध्याय है और मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं अभी बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल पटना से एसोसिएटेड हूँ। आजकल एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि हमारी सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, पहले कार्डियक डिजीज़ होते थे, आजकल कैंसर हैज़ बिकम सेकेंड मोस्ट कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सो भाई, कैंसर के बारे में हम लोगों का विचार है कि भाई इसके बारे में जो जानकारी पॉसिबल हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल जानकारी हो सकता है, वो हम लोग आपको आपके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सो मैं डॉक्टर अविनाश उपाध्याय, मैंने अपना MBBS पटना मेडिकल कॉलेज से किया, उसके बाद मैंने MD मेडिसिन की डिग्री जिपमर पौंडीचेरी से कम्प्लीट करी, और उसके बाद मैंने DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी में प्रेस्टीजियस एम्स न्यू दिल्ली से कम्प्लीट किया। उसके बाद मैं पटना में पिछले 3 सालों से कैंसर और कैंसर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको देख रहा हूँ, उसको ट्रीट कर रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे OPD में अक्सर ये सवाल लेके आते हैं कि सर, हमें जो है कैंसर के बारे में अवेयरनेस काफ़ी कम है, हम जानकारी अवेलेबल नहीं है। सो वी थॉट कि हम लोग जो है, मेरी जो पूरी टीम है यहाँ पे, हम लोग मिल के कैंसर के बारे में आपको अवेयर करें। सिंस ये महीना जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का है, सो हम लोग सोचे कि पहले ब्रेस्ट कैंसर पे हम लोग डिस्कस करते हैं चीज़ों को कि कैसे ब्रेस्ट कैंसर क्या है, ब्रेस्ट कैंसर का प्रिवेंशन कैसा होगा, ट्रीटमेंट कैसा होगा, एक्सेट्रा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ब्रेस्ट कैंसर क्या है और ये क्यों जानना ज़रूरी है इसके बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है महिलाओं के स्तन में अनवांटेड ग्रोथ को ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। जो नॉर्मल टिश्यू है वो अगर एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होने लगता है, उसका एक्सेसिव ग्रोथ होने लगता है, तो वह कैंसर का रूप धारण कर लेता है। इसको स्तन का कैंसर कहते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है जानना आज के दौर में? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है महिलाओं में होने वाला सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। ये मतलब नंबर वन कैंसर, अगर महिलाओं की बात करें तो ये नंबर वन कैंसर है। सो इसलिए हम लोग को इसके बारे में अवेयर होना है ताकि हम लोग इसको ट्रीट कर सकें, इसके बारे में डील कर सकें, इसको अगर कभी इस तरह की परेशानी आती है तो।